एक बात से घबराता हूं बस, कब्र से घबराता हूं, कब्र, कब्र जो है ना, कब्र इंसान का किरदार बताती है। सारी दुनिया को हंसाने वाला उमर शरीफ आज कुदरत के रहमो करम पर। उमर ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इस तरह उसका साथ छोड़ जाएगी। बहुत पैसा कमाया जिसका शुमार करना नामुमकिन है। इस अजीम फनकार ने कभी किसी को बोलने नहीं दिया और ना ही किसी की जुर्रत थी, लेकिन जनाब तीसरी बीवी ने बिल्कुल चुप करा दिया। जनाब पागल लगते हैं। अजी पागल लगते हैं आप। लगते तो है ना, जिसको कोई मतलब नहीं होता उसे कुछ नहीं लगता, वो कहता जगह तुम्हें क्या लगता, लेकिन जो पागल लगा समझो कुछ लगता है। तारीख गवाह है कि उमर शरीफ पर दौलत आशिक थी, लेकिन वो किसी और के आशिक थे। पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन अदाकार उमर शरीफ को उनकी तीसरी बीवी ने ऐसा झटका दिया कि उनके चारों तबक रोशन हो गए और अपनी करोड़ों रुपए की जायदाद से महरूम हो गए। अब बोलिए क्या बोल रहे थे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें। मैं शेरवानी के ऊपर कुर्ता सब पहना हूँ, काहे की शर्म। मुझे लगता है आप पहले से भी शादीशुदा हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी आप मुझे ऑफर कर रहे हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन इसके साथ साथ अपनी आखिरी सांसें भी गिन रहे हैं। इंसान की जिंदगी में बहुत ऐसे मोड़ आते हैं जब उसे लगता है कि अब जिंदगी में करने के लिए कुछ नहीं रहा। इंसान मायूसी के अंधेरे में खो जाता है। जी हाँ, आज हम आपको पाकिस्तान के उस मशहूर फनकार के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने पहली शादी के बाद अपनी जिंदगी को दूसरा मौका दिया और अपने लिए बेहतरीन जीवन साथी का इंतखाब किया, लेकिन जनाब दूसरी शादी की नाकामी के बाद तीसरी शादी से भी हाथ रंग लिए। मारूफ पाकिस्तानी कॉमेडियन अदाकार उमर शरीफ 3-3 शादियां कर चुके हैं। शायद उनकी कामयाब कॉमेडी अदाकार होने का यही राज था। उमर शरीफ का कहना था कि बीवियों का मां बनना सख्त नापसंद है, अगर उनके बस में होता तो शादियों का सिस्टम ही खत्म करा देते। उमर शरीफ ने बताया कि उन्होंने पहली शादी दीबा से करियर में कामयाब होने के बाद की। उनकी दूसरी शादी ड्रामा आर्टिस्ट शकीला कुरैशी से हुई और लड़ाई झगड़ों के सबब शादी सिर्फ 3 साल चल सकी। उमर शरीफ के मुताबिक शकीला से अलहदगी किस्मत में लिखी थी। उनकी तीसरी शादी स्टेज अदाकारा जरीन गजल से हुई जो उन्हें अच्छी लगी और उनसे शादी कर ली। मैं भी उनको पसंद करता था। अच्छा। वो भी मुझे पसंद करते थे। अम्मी को पसंद ही बहुत थी। अच्छा। क्योंकि उसका बाल और लंबे थे, आदतें बहुत अच्छी थी। अच्छा। दोस्तों को अच्छी करती थी। अम्मी को आगे अखबार सुनाना, अम्मी को आगे खबरें सुनाना, बहुत अम्मी, उनकी अम्मी भी अम्मी से बहुत प्यार। रिश्ता क्या मांगा, बस बात करी उन्होंने कहा ठीक है, इनके अब्बा से बात करते हैं। अब्बा से बात की, वो भी उनकी मेहरबानी मान गए और खैर ये हो गया और इस तरह मेरी शादी थे भाई। मैं मेमोरी कभी अपनी बीवियों से कोई शिकायत नहीं हुई। हर एक को अपने करेक्टर में रहना चाहिए। अच्छा। अगर वो बीवी है तो वो माना बने। आना वो खामा का माँ बन जाती है ना। हाँ। कितने बजे पिया था तुमने, ये कब खाया था, वो कब खाया था, अल्लाह मेरा तो जिंदगी तबाह हो गई है, तुम्हारा ध्यान रख। अरे क्या हो गया, क्या हुआ, क्या मैंने, मैं पागल हो गई हूँ। मैं कहा मुबारक हो आपको। और क्या कहूँ, अरे भाई क्या क्या देखूँ मैं अल्लाह के वास्ते। भाई अल्लाह की कसम, मेरे बस में होता ना मैं शादी का सिस्टम खत्म करता। उमर शरीफ का कहना है कि जरीन एक बहुत सलीकामंद और अकलमंद खातून है, उन जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। खूबसूरत खाना मतलब उसका शौक है। हाँ। टेबल डेकोरेट करने का। अच्छा। फिर खानों को वो रोज रोज बनाती है। हाँ। कोई कभी ये कभी वो कभी वो, और उसके बनाने की वजह से उसके हाथ में अल्लाह ताला ने उसको प्यार से लज्जत दे दी है। हाँ। जो पकाती है बहुत लजीज होता है। हाँ। चाहे वो दिमाग पका दे वो भी लजीज है। लेकिन अब इस सलीका शुआर बीवी ने उमर शरीफ के साथ ऐसा हाथ किया है कि बीमार उमर शरीफ ने किया अदालत का रुख। लेजेंडरी कॉमेडियन उमर शरीफ ने अपार्टमेंट की फरोख्त रुकवाने के लिए तीसरी बीवी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। उमर शरीफ को शदीद अदालत के बाइस अदालत में भी व्हीलचेयर पर लाया गया। उमर शरीफ के वकील ने अदालत के रूबरू मौकफ अपनाया कि कॉमेडियन उमर शरीफ ने 2016 में बैंक से कर्ज लेकर अपार्टमेंट खरीदा था और वह शदीद अलील है, उन्हें भूलने की बीमारी है। उनकी तीसरी बीवी जरीन गजल ने दिसंबर 2020 में
उन्हें खौफ ज़दा करके अपार्टमेंट अपने नाम करा लिया। वकील का मजीद कहना था कि उमर शरीफ को खतरा है कि उनकी तीसरी अहलिया 11 करोड़ रुपए मालियत का फ्लैट फरोख्त करना चाहती हैं, लिहाजा उमर शरीफ की गिफ्ट डीड को कलअदम करार दिया जाए। तीसरी बेगम थी जो यहाँ कराची में रहते थे, वो यहाँ पे आए तो बीमार थे, वो उन्होंने क्या किया कि प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट करवा ली अपने नाम, जो कि फ्लैट और उससे कि भाई तुम्हारे बच्चे हैं लाहौर में रहते हैं उनको भी हम मार देंगे, ये करेंगे। वो इतने बीमार हैं कि अपने हाथ से साइन भी नहीं कर सकते। सिंध हाई कोर्ट ने मारूफ अदाकार उमर शरीफ की जायदाद की तीसरी बीवी को मुंतकली के खिलाफ दरख्वास्त पर अहलिया ज़री गज़ल को अपार्टमेंट फरोख करने से रोक दिया। लेकिन जनाब बात इंसाफ तक पहुंचती, इतने में उमर शरीफ शदीद अलील हो गए, जिस पर उनकी बीवी ज़री गज़ल ने बीमारी के बावजूद उमर शरीफ की खूब खातिर की। वो अस्पताल पहुँची और प्यार प्यार में खरी खरी सुना दी। ऐसे कितने दिनों बाद आप मुझे देख ले हैं, हैं, हैं? बहुत गंदे बच्चे हो गए आप, है ना? कितने दिनों बाद देख ले हैं? तू कहाँ गायब हो गए हुए चलाक आदमी, तुम कहाँ हो, मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे थे? ओए ओए ओए, मैं मिलने को चले चली थी, मेरा उमर मुझसे मिल क्यों नहीं रहा? लेकिन इन सब बातों से पता चलता है कि उमर शरीफ की तीसरी बीवी से कीमती फ्लैट वापस लेने के लिए उनकी पहली बीवी और बच्चों ने जोर डाला था, जो कि उमर शरीफ ज़री गज़ल को दे चुके थे, क्योंकि उमर शरीफ अपने अंजाम को पहुंचने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपनी पहली बीवी और बच्चों के सामने हथियार फेंक दिए थे, क्योंकि बज़ाहिर तो जिंदा थे लेकिन हकीकत में जान चुके थे कि उनका आखिरी वक्त आ चुका है। इससे पहले उमर शरीफ ने अपनी तीसरी बीवी को सबसे अच्छी बीवी करार दिया था, लेकिन जनाब अब इस खूबसूरत बीवी ने अपना असल रूप दिखाते हुए उमर शरीफ को दिन में तारे दिखा दिए और अब बात उमर शरीफ की जिंदगी तक जा पहुंची। लेकिन जनाब दिलचस्प बात यह है कि ज़री गज़ल अब उमर शरीफ के साथ साथ हैं और अस्पताल में भी उन पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। लेकिन जनाब अब उमर शरीफ की पहली बीवी बच्चों के हाथ से गेम निकल चुकी है। अब जो जायदाद और पैसा उमर शरीफ गज़ल को दे चुके हैं वो उनसे कोई नहीं छीन सकता, वो तमाम कानूनी तौर पर तीसरी बीवी का है। लेकिन जनाब अब उमर को जरूर याद आ रहा होगा कि उन्होंने अपनी शोहरत से फायदा उठाते हुए कितने लोगों की जबाबंदी की और कितनों का हक मारा, क्योंकि हमारी शोबिस की दुनिया का ये असूल है कि हम किसी का हक पूरा नहीं देते, बल्कि ये कहते हैं कि हम तो नुकसान में जा रहे हैं। अगर इन बेचारे जूनियर्स का हक अदा कर दिया जाता तो शायद उनकी दुआएं उन्हें तमाम मुश्किलात से निकाल लेती और उनकी आखिरत आसान हो जाती। लेकिन अब जनाब उमर शरीफ के लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह उनको तमाम मुश्किलात से आज़ाद कर दे, बकौल किसी दानिश्वर के उनकी कमाई हुई दौलत उनके बीवी बच्चों के काम आएगी, लेकिन उनकी आखिरत का जरिया नहीं बन सकती। उमर की छोड़ी हुई दौलत और जायदादें उनके खानदान के दरमियान फसाद की जड़ बन जाएंगी। वक्त बदल जाने पर लोग कैसा बर्ताव करते हैं ये समझने के लिए उमर शरीफ एक बेहतरीन मिसाल है। कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए।